तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए आज की जो ये क्लास है इसके अंदर मैं जो टॉपिक लूंगा आप लोगों के लिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले यूनिट से होगा। यानी हम लोग जो आज टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम कह दें ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाने से पहले अगर हमारे को कोई टॉपिक पढ़ना है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, हम फोकस भी करेंगे कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं कहां से नहीं बनते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया आज एप्लीकेशन पे, वहां पर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक से आए हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से मैं जो टॉपिक आज सबसे पहले ले रहा हूं दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक आज लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती हैं ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट कह दो या मैं ये कह दूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बेसिकली हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं आज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग इसकी बात आज करने वाले हैं, यहां से आज की टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां है हमें पता है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन है, कौन से ग्रुप में है, मैं इन सभी की बात एक बार आप लोगों से कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जरा हम लोग बात करते हैं इसकी। मैंने कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर एंड फाइनली जिंक। ये लीजिए, ये मैंने 3D सीरीज ड्रॉ करी है। अब ये जो सीरीज है करेक्ट, अगर मैं इस सीरीज में नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करूं, नीचे वाले एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया कि मैं 4D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करूं, 5D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करूं, तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात कर लेता हूं। वो एलिमेंट्स हो गए यहां पे मैं कह दूं दैट इज द, ये लीजिए दैट इज द टाइटेनियम, टेक्नीशियम, रीनियम, रुथीनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड और मरकरी। करेक्ट, ये एलिमेंट्स हो गए, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है और एक 5D सीरीज है। क्लियर, एक को मैं क्या बोल रहा हूं दैट इज द 3D सीरीज, ये हमारी 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। सबसे पहले अब देखो पीरियोडिक टेबल में हम इन्हें कौन से ग्रुप्स कहते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। राइट, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़ते हो, जब आप पीरियोडिक टेबल भी पढ़ते हो तो यहां एक तो होता है मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग, तो मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या कहूंगा दैट इज द 3rd B। अगर मैं मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग चलता हूं तो ये कौन सी एलिमेंट होगी, कौन सा ग्रुप हो गया दैट इज द 3rd B। ये लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये लीजिए दैट इज द 3rd B। और अगर मैं इसकी बात करूं तो दैट इज द 4th B और ये क्या हो गया 5th B, ये क्या हो गया आपका 6th B, ये क्या हो गया 7th B, ये तीनों के तीनों क्या हो गए आपके दैट इज द, एक ट्राइड जो बना
ये एट्थ ग्रुप का ट्राइड बनता है, सेवंथ के बाद ये क्या बन गया, एट्थ ग्रुप का ट्राइड, ये लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं यहां तो दैट इज द फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, ये लीजिए ये मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और इसको चलो एट्थ बी कह, एट्थ बी और ये फर्स्ट बी और सेकंड बी। और फिर होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम इन ग्रुप्स की नंबरिंग करें तो आप इनकी नंबरिंग कैसे करते हो, ये थर्ड ग्रुप बोला जाता है, फिर इसको बोलते हैं फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवंथ, फिर हम इसको बोल देते हैं एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ये इलेवन और ये ट्वेल्व, फिर पी ब्लॉक से चालू हो जाता है थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन और सेवनटीन, एटीन वगैरह जो भी है, करेक्ट। तो हम ये कह दें ये मेंडलिव्स और मॉडर्न के अनुसार इनकी नंबरिंग हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब इसमें ये है कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग लगभग हर एग्जाम में यहां से सवाल बनता है और हमारे सिलेबस में आरपीएससी ने साफ साफ दो दो यूनिट्स के अंदर मेंशन कर रखा है। फर्स्ट यूनिट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जनरल है, सबका है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट में, वो भी है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल जरूर बनता है, ये मानकर चलिए या तो एफ ब्लॉक से आएगा या डी ब्लॉक से आएगा, बट आएगा जरूर, क्लियर। तो देखिएगा, तो अगर मैं यहां सबसे पहले 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऑन टिप्स रहता है, वो हमारे को याद रहता है। सबसे पहले मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं जरा। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, अगर मैं लिखूं 3D1 4S2, क्या लिखा जाता है 3D2 4S2, 3D3 4S2। फिर जब क्रोमियम में हम आते हैं, जब क्रोमियम में हम लोग आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4 नहीं होता, हमें पता है 3D5 हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां 3D5 हो गया। और मैग्नीज का तो वही 3D5 4S1 हो गया। आयरन का क्या हो गया, 3D6 4S2 हो गया, 3D7 4S2 हो गया, 3D8 4S2 ये निकल का हो गया। उसके बाद अगर मैं कॉपर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉपर की बात करूं, एक सेकंड, ये यहां मैग्नीज 3D5 4S2 कर लीजिए, मैग्नीज ना निकल हो गया। कॉपर के लिए अगर मैं बात करूं तो 3D यहां से क्या हो जाएगा 10 और ये 4S1 हो गया। और जिंक की अगर मैं बात करूं तो 3D10 4S2 हो गया। ये मैंने 3D सीरीज के लिए बात कर ली, करेक्ट। अब अगर मैं 4D सीरीज की बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, 5D सीरीज की मैं बात करता हूं, तो यहां क्या ध्यान रखना है आपको, ये मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं 4D सीरीज की बात करता हूं, 5D सीरीज की बात करता हूं, तो हमारी ट्रिक क्या है कि 4D सीरीज के अंदर याद रखिएगा D3, D6 और D9 मिसिंग होते हैं। मिसिंग समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है, या तो D3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कह दूं D3 हुआ, D6 हुआ, D9 हुआ, ये बेसिकली होते ही नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं यहां 5D सीरीज के लिए, तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, इसके अंदर D8 मिसिंग होता है। इसमें कौन सा मिसिंग है, 5D सीरीज के अंदर D8 मिसिंग होता है, याद रखिएगा। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक, ठीक है, ओके। तो क्या मिसिंग है, D3, D6, D9 मिसिंग है और 5D सीरीज के अंदर D8 मिसिंग है, ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज, करेक्ट, ये चीज है।
और यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों से पूछे जाते हैं। ओके, तो अब अगर मैं इट्रियम की बात करता हूं, इट्रियम, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके लिए क्या लिखेंगे, दैट इज द 4d1 5s2। ये क्या हो गया, 4d2 5s2। जैसे आप नायोबियम पे आओगे तो होना क्या चाहिए था, 4d3, लेकिन मैंने क्या बोला, d3 मिसिंग है। इसका मतलब यहां आपको 4d4 5s1 कहना है, 4d4 5s1 कहना है। उसके बाद मॉलिब्डेनम क्रोमियम के नीचे ये वापस से वही 4d5 5s1 हो गया, ये भी 4d5 ही रहेगा, 5s2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अपना 4d6 होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला, d6 मिसिंग है। तो d6 मिसिंग है, इसका मतलब है ये 4d आपका 6 नहीं आएगा, अब यहां 4d7 लेना पड़ेगा और ये 5s1 आपको लिखना है। रोडियम क्या हो गया, दैट इज 4d8 हो जाएगा, ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 4d8, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 5s1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4d8 5s1, करेक्ट, ये रोडियम हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बेसिकली ये रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना हमारे लिए फिर भी इतना हो सकता है इंपॉर्टेंस ना रखे, पर जब टर्म सिंबल निकाला जाता है तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम टर्म सिंबल रखता है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। उसके बाद पैलेडियम, मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो बहुत एग्जाम्स में आता है पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम की क्या खास बात है कि ये D8 के बाद D9 होना चाहिए था, पर D9 मिसिंग है, 4D10 और 5S0 होता है पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब मैं बात करता हूं डी ब्लॉक की, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है N-1 D1 to 10 और NS बोला जाता है 1 या 2, 1 से 2, लेकिन एकमात्र पैलेडियम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इसको चेंज करता है, मतलब वहां NS0 भी हो जाता है। पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है इस ट्रांजिशन सीरीज का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑलवेज रिमेंबर पैलेडियम भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। उसके बाद सिल्वर, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाएगा, दैट इज द 4d10 5s1 और ये भी 4d10 5s2। तो पैलेडियम द मोस्ट, ये ध्यान रखना, वैसे जितने भी एबनॉर्मल हैं वो सारे ही काम के हैं, बट पैलेडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलिएगा आप लोग। उसके बाद आप देखिएगा, मैं 5d सीरीज पे आता हूं। 5d सीरीज के अंदर मैंने क्या बोला, क्या चीज मिसिंग है, d8 मिसिंग है, D8। इसके अलावा, इसका मतलब हो गया D8 के अलावा सब कुछ है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 भी है, जबकि अगर आप यहां देखें तो यहां D4 नहीं था, आ रही है बात समझ में, क्योंकि पास वाला जो D4 है वो D5 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप हो जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बैरियर ज्यादा होता होगा, तो वो इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी इसकी कि ऐसा इसमें क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, हमें उस पर नहीं जाना, हमें याद रखने का तरीका क्या है, एक जगह D3 D6 D9 मिसिंग है और एक जगह D8 मिसिंग है। अगर ये आपको ध्यान है तो आप कभी नहीं अटकोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये मानकर चलिएगा आप लोग। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज द 5d1 6s2, 5d2, फिर 5d3, फिर 5d4, उसके बाद मैं बात करता हूं यहां 5d5, उसके बाद 5d6, ये लीजिए, उसके बाद 5d7, और यहां साथ में मैं लिख रहा हूं 6s2 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 6s2, 5d7 तक भी 6s2, ये लीजिए। उसके बाद प्लेटिनम, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, D8 क्या होना चाहिए था, D8 होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला, D8 मिसिंग है, यही तो याद करने का तरीका है हमारा, तो D8 मिसिंग हो गया,
तो इसका मतलब 5D ये 9 हो गया, 6S1 हो गया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक 5D 10 हो गया, 6S1 हो गया, और ये 5D 10 हो गया और 6S2 हो गया। ये लीजिए, ये बात हुई सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, और इनमें जहां जहां एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम लोगों से बिल्कुल पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर आते हैं भैया, सीधे सीधे ये मानकर चलिएगा आप लोग, सीधा सीधा सवाल हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप देखिएगा यहां एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन और कहां है, ये है। एबनॉर्मल से मतलब ये हो गया कि नॉर्मल से थोड़ा अलग हटके, 3D सीरीज में तो ये ध्यान रखना होता है, 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो देखो ये नायोबियम, ये गड़बड़ होती है, बाकी इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कभी आप प्रॉब्लम नहीं करोगे। एक आपको ध्यान रखना है ये वाला रूथीनियम, क्योंकि हम नॉर्मली इसके अनुसार चलते हैं तो D6 करते हैं, जबकि मैंने बोला 3, 6, 9 मिसिंग है, करेक्ट, इसमें कभी गड़बड़ नहीं करोगे, इसमें कभी गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि 3D सीरीज के जैसा का जैसा कॉन्फ़िगरेशन अगर 4D या 5D में है आप गड़बड़ नहीं करोगे, लेकिन अगर उससे अलग है तो गड़बड़ कर सकते हो, जिसका तरीका मैंने बताया, 4D सीरीज D3 D6 D9 ध्यान रखना मिसिंग है, और 5D सीरीज D8 मिसिंग है, तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। यहां देखिएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहां दिक्कत नहीं, ये एबनॉर्मल है, ये 5 नहीं बना, ये ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ये 8 नहीं बना है, ये लीजिए ये एबनॉर्मल, बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके जैसे चल रहे हैं, जो इसके जैसे चल रहे हैं उनको आप करो तो करो राउंड, क्योंकि ये हमें ध्यान रहता है, ये लीजिए, आई बात समझ में। तो जो बिल्कुल 3D सीरीज हमारे को हमेशा याद रहती है, ये लीजिए, तो जो 3D सीरीज के जैसा है उसको मैंने राउंड नहीं करा, जो 3D सीरीज से बिल्कुल अलग हटके है उसको मैंने राउंड कर दिया है। कहिए क्या आप सभी लोगों के मेरी बात समझ में आ गई, क्या आप सभी लोगों के मेरी बात समझ में आ गई है, बोलो भाई बोलो, एवरीथिंग इज क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, गुड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सीधे सीधे आते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, ये सब चीजें सीधे सीधे बनते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इस टॉपिक से क्या सवाल आए गए हैं, ये PYQs की मैंने अपलोड कर दी है फाइल, राइट, आपको PYQs की फाइल देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे 4-5 सवाल है अलग अलग एग्जाम्स में, 5-7 सवाल है, आराम से सॉल्व होंगे, कहां अटकोगे मुझे पता, लेकिन अटकना नहीं है, ओके। चलिए आइए मैं आगे की बात करता हूं। अब मैं अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इसका मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इन सब के बाद, तो मैं क्या लिख सकता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख सकता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा हमारा वो आप देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा हमारा, देखो लीजिए, ये हो गया N-1 D 1 to 10, आपने देखा 1 से लेके 10 के बीच में D चलता है और साथ में चलता है NS जो चलता है 0 से 2, लो भैया कितना चला 0 से 2, आई बात समझ में। अब आपने एक चीज देखी कि ये जो NS0 है, NS0 ये ओनली फॉर पैलेडियम, ये केवल और केवल पैलेडियम के लिए है, आप देख लीजिए ये S0 केवल पैलेडियम में आता है, बाकी और कहीं नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये चीज लिखी है तो कहना गलत तो नहीं है, क्योंकि पैलेडियम में 0 हो जाता है, लेकिन हां अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है N-1 D 1 to 10 और NS 1 से 2, तो ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैलेडियम के अलावा और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए यही होता है,
करेक्ट, लेकिन एक चीज मैं फिर कह दूं आप लोगों को कि जीरो से दो वाला ये वाली चीज को ऑलरेडी ले रहा है। जीरो से दो का मतलब जीरो एक दो तीनों चीजें आ गई है इसके अंदर, एक से दो में ये चीज नहीं आई है। तो अगर एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक टिक करना पड़े तो वैसे आंसर तो यही होगा, करेक्ट। हाँ अगर ये नहीं है तो ये भी है, तो दोनों ही चीजें इसके लिए सही है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बता दिया है, ठीक है। चलिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, lies in between एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर कि इन एलिमेंट्स की खास बात यह है कि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी सबशेल में आता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है हमेशा इन एलिमेंट्स में, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पे एन माइनस वन डी सबशेल में एंटर होता है। तो हम कह दें इन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एन माइनस वन डी सबशेल। ये एन माइनस वन डी सबशेल के अंदर एंटर होता है, क्लियर। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि एक तो इनके अंदर आखिर के जो दो शेल्स होते हैं दैट इज द वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल। मैं आपको एक तो ये चीज सिखाऊं, आप लोग समझो। देखो इधर इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, ये लिया मैंने, ये लीजिए ये लीजिए, और ये लीजिए। देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये मैंने मान लिया दिस वन इज द न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लीजिए मैंने ये शेल बना लिए। तो देखो ये जो शेल होता है ये वाला, ये कहलाता है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल को हम और क्या बोलते हैं, इसे हम अल्टीमेट शेल भी बोल देते हैं। तो वैलेंस शेल या इसी को बोल देते हैं हम लोग अल्टीमेट शेल, इसी को और क्या बोल देते हैं अल्टीमेट शेल, ये लीजिए। और वैलेंस शेल संयोजकता कोष के जस्ट अंदर वाला जो ये ऑर्बिटल है, ये वाला जो शेल है इसको आप क्या बोलते हो, जस्ट अंदर वाला, दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, आंतरिक पेनल्टीमेट शेल, ये लीजिए। और ये जो है हमारा जस्ट अंदर वाला अभी, और ये लीजिए अभी, ये एक और शेल है और अंदर वाला, इसको बोल दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी पेनल्टीमेट शेल, इसे हम एंटी पेनल्टी मिट शेल कहते हैं। इसकी चर्चाएं लेंथेनाइट्स में हम लोग करेंगे जब एन माइनस टू एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, वहां हम इनकी चर्चाएं करेंगे, करेक्ट। आइए आगे की बात करते हैं अब हम लोग। तो वैलेंस शेल, पेनल्टी मिट शेल, एंटी पेनल्टी मिट शेल, इन सभी की बातें मैंने करी,
कौन होते हैं, समझ में आ गया? सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल, जस्ट अंदर वाला पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट, जिसको उपांत्य बोल देते हो आप लोग, ठीक है। आइए अब मैं आगे की बात करता हूं। मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, पूरी तरह से फिल्ड नहीं होते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। क्यों बोल दिया? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसका वैलेंस शेल और इसका पेनल्टीमेट शेल ये दोनों इनकम्प्लीट होते हैं, और इनकम्प्लीट दिख भी रहे हैं ये देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये चल रहा है हमारा, करेक्ट। तो वैलेंस तो खाली पड़ा है, केवल एस है जो भरा हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी एनपी एनडी एनएफ सब खाली पड़े हैं, और उसके जस्ट अंदर वाला भी कभी ना कभी इनकम्प्लीट ही है वो। तो इसका मतलब हम क्या बोल दें यहां कि दीज एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज बोथ दैट इज द वैलेंस शेल एज वेल एज बोथ वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ भाई। अब आप बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हो? बताइए, रिप्लाई करो मुझे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो कौन से एलिमेंट है, यहां से सवाल बनता है, हमें पता है वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह देते हैं, कौन कौन है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह दूं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, करेक्ट। और एक एलिमेंट आप में से किसी ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, एक और एलिमेंट है, दैट इज द सीएन। ये किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया मुझे तो एक्चुअली ये सुनना था, ये सुनना था मुझे, ये किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया मुझे, दैट इज कॉल्ड कॉपर नीसियम 1112 एटॉमिक नंबर, 1112 एटॉमिक नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड कॉपर नीसियम। मुझे तो ये सुनना था, ये तो पुराने हो गए, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, मरकरी के जस्ट नीचे और होता है कॉपरनीसियम। ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बिकॉज ये ना तो अपनी एटॉमिक फॉर्म में और ना ही अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दोनों ऑर्ब शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड रखते हैं। इनका केवल और केवल वैलेंस शेल ऐसा है जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन इनका पेनल्टीमेट जो शेल है वो हमेशा फिल्ड होता है, चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में हो, चाहे अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो हम कह देंगे जिंक कैडमियम मरकरी एंड कॉपर नीसियम,
ये लीजिए, these elements are D block elements. These elements are D block elements, but these are not transition elements. लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं. दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दीज हैव फिल्ड ऑर्बिटल. या मैं कह दूं दीज हैव फिल्ड शेल, फिल्ड पेनल्टी मीट शेल these have filled penalty meat shell in their atomic form as well as in most stable plus 2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये लीजिए, इसीलिए हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह देते हैं लेकिन हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं. याद रखिएगा, बात समझ में आई आपके यहां तक? बोलिए भाई, बोलिए, टेल मी. नहीं दीपक, स्कैंडियम को बोला जाएगा. 3D1 होता है स्कैंडियम, एटॉमिक फॉर्म के अंदर तो है ना, उसके अंदर इनकम्प्लीटली पेनल्टीमेट शेल. ये हैं चार जो आपको बताए जा रहे हैं. दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब देखिए, यहां तक अभी तक मैंने केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप लोगों से बात करी है, और कुछ भी नहीं करी है. अभी तक हमारे बीच में बात केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हुई है, राइट? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल बनता कैसे है. आओ मैं एक दो सवाल आप लोगों को जो आए हुए हैं वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए. आइए एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूं. देखिए, लिखते चलो फटाफट क्वेश्चंस, एक दो सवाल. पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन does not belongs to a D block element. Block element. ये लिखिए, सिंपल सा सवाल है. क्या क्या ऑप्शन है देखिएगा. हमारे को पता है D block element की खास बात क्या है कि last electron should be enter in D subshell. Last electron का D subshell में enter होना जरूरी है. तो पहला ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2.
be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. Third option, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. And fourth option, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. बताना है आपको इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है। सिंपल एक सवाल तो ऐसा आया हुआ है, आरपीएससी केमिस्ट 2014 में आया हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अगर आप देखें यहां तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल के अंदर आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस टाइप के सवाल बनते हैं, आपको ऑफ वो रूल इसके अंदर पता होना चाहिए, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस के अंदर फिल्ड होते हैं, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की वीडियोस में भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड सवाल, ठीक है। एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल, ये भी लिखें आप लोग, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following does not represent ground state electronic configuration of an atom? Which of the following does not represent ground state electronic configuration of an atom? आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखने वाला हूं, वो आपको बताना है कि कौन सा है जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बताता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल, फर्स्ट ऑप्शन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. थर्ड ऑप्शन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. ऑप्शन डी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. बताएंगे आप वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बताता है। रिप्लाई करेंगे कौन सा है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। और देखो PYQs में ऐसे कई तरीके के सवाल आए हुए हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी हम लोगों ने लिखे हैं, देखिए ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है ना, पहले तो ये ध्यान रखना ये सब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, यानी लोएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। अगर मैं पैलेडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं ना, तो दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल को आप सोचो
कि नहीं यार ये 4d10 इलेक्ट्रॉन को ऐसे वैसे कर दिया, कल को मैं ये पूछूं कि क्रोमियम का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसा है, तो आप कहोगे यस इट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी लोएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, तभी तो ऑटोमेटिक ये एटम ये एलिमेंट इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडजस्ट कर रहा है, करेक्ट। और जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना ये चाहिए था और लिख दिया कुछ और, तो फिर वो ग्राउंड स्टेट नहीं है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो इधर देखो 3D सीरीज के अंदर हमें पता है 3D सीरीज के अंदर D9 नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को S को यहां आना चाहिए था, तब ये ग्राउंड स्टेट बनता। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये लीजिए इस तरीके से, ये है रीजनिंग सवाल, आई बात समझ में। बाकी जो आए हुए 3-4 सवाल और वो कैसे हैं, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किस क्या होगा, प्लेटिनम का इनमें से कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, तो अब अगर आप लोगों को मैंने तरीके सिखा दिए पैलेडियम के कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, प्लेटिनम का क्या होता है, उन सवालों को लिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि पैलेडियम का बताइए, रोडियम का बताइए, प्लेटिनम का बताइए, यू नोज वेरी वेल। जब लिख दिया आप देख लेंगे सवाल। ये थोड़े दो सवाल अच्छे थे, अलग हटके थे, जो पढ़े उससे थोड़ा सा मिलते जुलते थे, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, पूछने का तरीका इसके अंदर थोड़ा सा अलग था, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल कैसे बनता है ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, बता दिया है। बाकी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन सीधे सीधे पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एफ ब्लॉक के ऊपर जो बनता है एफ ब्लॉक में देखेंगे, नॉर्मल जो बनते हैं वो फर्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे, डी ब्लॉक के ऊपर कैसे बनते हैं मैंने आप लोगों को बता दी है बात। आइए अब मैं बात करता हूं आपसे इसके अंदर अगले टॉपिक की। देखिए अगला टॉपिक क्या है जरा आप लोग समझें, आगे है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे को ये पता होना चाहिए, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स से सवाल जरूर बनते हैं, राइट। एक तो बनता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और एक बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स से। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए और मैं इसकी चर्चाएं अब आप लोगों से करता हूं। देखो भाई हमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, मैं एक बार लिस्ट बना देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। देखो इसके अंदर सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या है इसकी, दैट इज द हम कह दें मेटलिक करैक्टर्स। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबके सब क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो एक तो इनकी मेटलिक करैक्टर्स की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो हम कह देंगे एक तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेटलिक करैक्टर्स, आप समझना इसकी बात करेंगे। दूसरा जो करैक्टर हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट। यहां से सवाल बन जाता है कभी कभी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। तीसरा फिर हम क्या करेंगे, जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हम इनकी रेडियस की चर्चा ही करेंगे, रेडियस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब जब मैं इनकी रेडियस की चर्चा ही करूंगा ना, तो ये रेडियस तीन तरीके की पढ़ी जाएगी भैया। ये जो रेडियस यहां पढ़ी जाएगी ये तीन प्रकार की रेडियस की चर्चा होगी, सवाल किसी के ऊपर भी बन सकता है। हालांकि रेडियस का सवाल एफ ब्लॉक एलिमेंट खाएगा ये मान के चलिएगा आप लोग, लेकिन क्या पता पूछ ले इस बार यहां से, ओके। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या बात करेंगे, रेडियस की। अब रेडियस में मैंने तीन बता दिए, कौन कौन सी रेडियस, एक इनकी लेंगे एटॉमिक रेडियस, एक हम इनकी लेंगे मेटलिक रेडियस और एक हम इनकी लेंगे आयनिक रेडियस। तीनों प्रकार की रेडियस की बात हम यहां पे करने वाले हैं। तो एक होगी यहां इनकी एटॉमिक रेडियस, एक होगी इनकी
मेटेलिक रेडियस और एक होगी इनकी आयनिक रेडियस। ये लीजिए तीनों प्रकार की रेडियस की चर्चाएं हम यहां पे करेंगे, करेक्ट। रेडियस के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक लेंगे वो इसमें लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे दे हमारे को और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करवा ले, तब हम क्या करेंगे, तो कैसे करना है सॉल्व, क्या डेटा है इसका, इसका हम ध्यान रखेंगे। यानी फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। ये लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग लेंगे इनके अंदर मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है भैया, ठीक है, कहां मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये पूछा जाता है हमसे सवाल। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस यूनिट के अंदर साफ साफ हमसे मेटलिक बॉन्ड मेंशनड है, इसलिए मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हम इसकी बात करेंगे, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये लीजिए इसकी हम बात करेंगे। मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद हम इसके अंदर लेंगे इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि जब हम इन एटम्स को हीट करते हैं तो ये गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी लेते हैं, कितना टेंपरेचर लेते हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर क्या होता है, इनकी डेंसिटी का ऑर्डर वगैरह क्या होता है, हम इनकी बात करेंगे। यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इनकी डेंसिटी वगैरह, ये लीजिए इनकी हम बात करेंगे, एलिमेंट्स की डेंसिटी वगैरह। और एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के आयन के कॉम्प्लेक्स, एक लेंथेनाइड के कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक सिंपल आयन की एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तीनों ही प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से सवाल पूछे जाते हैं आरपीएससी में, आई बात समझ में, लेंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड में, कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल बन जाता है छोटे मोटे, करेक्ट। ये और एक सिंपल आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें हम लोग देखेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां से सवाल बन जाता है, ये लीजिए। अब इसके बाद ये अपना एट नंबर हो गया, देखिए आप लोग, ये लीजिए, ओके। अब इधर देखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात है, चलिए नाइन नंबर यहां लिख देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद अगर मैं अब यहां पे लूंगा तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कौन सी मोस्ट स्टेबल है, या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी होती है, ये दो तरीके के सवाल ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनते हैं। एक किसी भी एलिमेंट को देके उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पूछ लिया जाता है कितनी दिखा सकता है, और एक उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है ये पूछ लिया जाता है। ये दो बातें हमारे को पता होनी चाहिए। दूसरा, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट को कभी कभी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये करके सवाल पूछ लिया जाता है, यानी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, करेक्ट। ये भी हमारे को आना चाहिए। एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज इन गैसियस फेज वगैरह, और एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये लीजिए ये चीज। एक हमें जब ऑक्सीडेशन की बात ही कर रहे हैं तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सो एनायंस होते हैं, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसके ऊपर भी सवाल हम लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे अपन क्रोमेट्स कह दें, ट्राई क्रोमेट्स कह दें, परमैग्नेट्स कह दें, FeO4- 2 कह दें, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर,
आई बात समझ में, इनके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। हालांकि अब मैंने कहा ना कि आरपीएससी का ट्रेंड क्या है, आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि आरपीएससी के सवाल अभी तक आज तक किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी के सवाल अगर मैं ये पिछले 20 पेपर अगर जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं अगर मैं इसको पूरी तरह से स्टडी कर रहा हूं तो क्वेश्चन किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्वेश्चन घूम रहे हैं ये चीज ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कभी कभी सवाल, या फिर मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये लीजिए, ये नहीं रेडियस भी नहीं, एक मेटलिक करेक्टर्स वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये लीजिए, इसके इर्द गिर्द घूम रहे ज्यादातर सवाल। लेकिन रेडियस के ऊपर सवाल बन सकता है, मैंने कहा ना कि जो चीजें आ रही हैं वो हमें कवर करनी है और जो आ सकती हैं इधर उधर वो ट्रेंड चेंज कर दे, थोड़ा सा भी टॉपिक चेंज कर दे तो हमारे को उनके सवाल भी सॉल्व करने आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक हम इसके अंदर कवर करेंगे, 11th नंबर क्या बोला मैंने, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, राइट, उसमें पूछ सकता है वो ऑर्डर या पूछ ले सकता है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन है ये पता करो, ये पैट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, अब आप देखिएगा 12 नंबर जो इसके अंदर हमारे को आनी चाहिए चीज वो है, इन ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्सो कैटाइन भी होते हैं और ऑक्सो एनाइन भी होते हैं। ऑक्सो एनाइन समझते हो, ऑक्सो एनाइन जैसे डाइक्रोमेट आयन, जैसे परमैग्नेट आयन, इनके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। यानी मैं ये कह दूं इसमें हम पढ़ेंगे एक तो ऑक्सो एनाइन एंड ऑक्सो कैटाइन, दोनों ही प्रकार की चीजें देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे काम काम की चीजें हम इनमें से लेंगे और स्टडी करेंगे। ये लीजिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेवेंट बात करी मैंने, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स और इनके ऑक्सो कैटाइन और ऑक्सो एनायन। फिर हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अलॉय फॉर्मेशन, इसमें भी हल्का सा टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए हमारे को, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अलॉय फॉर्मेशन, एक इसके अंदर इनके द्वारा बनाए जाने वाले अमलगम, थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अलॉयज पढ़ेंगे, इनके अमलगम्स बारे के बारे में पढ़ेंगे, क्या पता यहां से कोई छोटा सा सवाल बना के पूछ लिया जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ और भी तो होता होगा एक्सट्रैक्शन से रिलेवेंट। अगर मैं आरपीएससी का पुराना पेपर देखता हूं स्कूल लेक्चरर का, तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन से रिलेवेंट भी हमें पता होगा किसकी एलिमेंट की ओर क्या है और क्या मेथड वगैरह है, बेसिक चीजें, राइट, तो ये चीज भी हम लोग लिख के रखेंगे क्योंकि मेमोरी बेस्ड चीजें हैं जो हमारे को ध्यान रखनी है, क्योंकि कमी कहीं नहीं छोड़नी, क्योंकि चॉइस नहीं है हमारे पास, वहां पे कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसको पढ़ लें वन टेप्स तो एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए, करेक्ट। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर अलॉय फॉर्मेशन, अमलगम और एक कॉरस्पॉन्डिंग ओर्स है ना, ओर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ओर ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट, ओर ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट, लीजिए हम इसकी भी बात करेंगे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और वगैरह, क्लियर। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे इसके अंदर, ये जो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं और कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा, इनकी भी हम बात करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, करेक्ट, इनकी चर्चा करेंगे। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये लीजिए, राइट, इनकी हम बात करेंगे, यहां से सवाल बनता है भैया कॉम्पिटिशन से। इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बाद एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैटालाइटिक प्रोसेस के अंदर भी काम में लिया जाता है, हैबर्स प्रोसेस में,
राइट। इसके अलावा अपन ये कहते हैं हैबर्स प्रोसेस हो गया, वैकर्स प्रोसेस हो गया, ऐसे ऑक्सो प्रोसेस हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके अंदर कैटलिस्ट की फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को काम में लिया जाता है। तो हमारे को वो प्रोसेस नहीं पढ़ने हैं, प्रोसेस नहीं पढ़ने, मैंने कहा ना कंटेंट एक जगह करो सारा, कि हमारे को किस किस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट काम में आता है इसकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। हैबर्स में ये आता है, ऑक्सो में ये आता है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट ये है, ज़िगलर-राटा कैटलिस्ट ये है, ये बात मेरी समझ में, उसकी लिस्ट हमारे पास पूरी होनी चाहिए कहां कहां ये काम में आते हैं। राइट, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, इसको ऐसे कह दें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये लीजिए कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है पूरी की पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर और कहां से सवाल बनता है हमें पता है, कलर से सवाल बनता है, कलर ऑफ आयन। तो यहां पे कलर ऑफ आयन का हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कलर की बात डिटेल में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में होती है, डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होती है। यहां तक हम जनरल बात करेंगे कलर से रिलेवेंट डीडी ट्रांजिशंस वगैरह, सिलेक्शन रूल का इंट्रोडक्शन हल्का सा, ताकि हमसे बेसिक सवाल आ जाए तो हम कर सके। बेसिक चीजें ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे बेसिकली, ना कि वो चीजें पढ़ेंगे हम। तो कलर की बातें डिटेल में कहां करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं, डिटेल में होंगी सीएफटी थ्योरी में और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर, क्योंकि ये दो चीजें हमें मेंशन है। करेक्ट, तो कलर 18th नंबर प्रॉपर्टी हो गई जो हम लोगों को पढ़नी होती है। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूज हम फोटोग्राफी में भी करते हैं। राइट, किसमें करते हैं हम लोग, फोटोग्राफी के अंदर भी करते हैं। ये लीजिए 19, थोड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह का के अंदर इसका यूज देखेंगे, सिल्वर वगैरह का यूज होता है, ये लीजिए फोटोग्राफी। और इसके अलावा हम ये कह दें इसके जस्ट बाद कुछ मिसेलिनियस चीजें, कुछ बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसका यूज, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कुछ टेस्ट वगैरह में यूज, जैसे टेस्ट वगैरह का अगर मैं बोलूं नॉर्मल सा नेस्लर रिएजेंट वगैरह हुआ तो इसके अंदर जैसे कैसे यूज में आता है, क्या आता है, ये सब चीजें बेसिक हम लोगों को करनी है। तो एक हम कह दें लास्ट में कुछ मिसेलिनियस ये चीजें हमारे को पढ़नी है। बताओ भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली हमें करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो मैंने इसकी बात करी और मैंने क्या बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से आरपीएससी सवाल पूछती है वो इसमें आप ये कलर ऑफ जोड़ दो कलर से। बाकी अगर मैं कहूं इनसे जनरली आरपीएससी सवाल कम पूछती है, ना के बराबर पूछती है, लेकिन हाँ अगर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे सिलेबस में लिखा है, उनके करेक्टरिस्टिक्स अगर हमारे को मेंशन्ड है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है, वहां से सवाल बनते हैं, जो मेंशन्ड नहीं है सवाल हम ये तो नहीं कह सकते नहीं बनते, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर वगैरह कई प्रकार की चीजें जो बनती है। राइट, लेकिन हाँ हमें ये सब कुछ पढ़नी है, सब कुछ ये कवर करनी है। बताइए क्या मेरी बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई, बोलो भाई बोलो, बोलिए भाई बोलिए, क्या आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। बिल्कुल, मैंने क्या बोला हम चलेंगे 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, मैंने कहीं भी कोई नेट की चर्चा नहीं करी और ना ही मैं उस कंटेंट की चर्चा कहीं करूंगा, कोई टॉपिक ही उसका है जॉन टेलर इफेक्ट तो मेरे को करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे को पढ़ना है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और आप सभी के हाथ में अब आप निकाल लेना, आपको मेरे डाउनलोड फॉर्मेट में दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए इसका प्रिंट आउट आप लोग एक बार निकाल लेना, ठीक है, ताकि यूनिट जब चले तो सेलेक्टिव चीजों को आप लोग सॉल्व करते चलो, क्या सवाल आए उनको भी देखो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं कोऑर्डिनेशन, कभी पढ़ा नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट, आज से पहले भी पढ़ी हुई चीजें हैं, जब सरसरी निगाहों से इनको देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, पर जो पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस के साथ पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई आप सभी लोगों को, हमारे को बेसिकली करना क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आइए अब मैं यहां से पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, और पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों को यहां पे पढ़नी है वो है मेटालिक करेक्टर्स, मेटालिक करेक्टर्स पहली प्रॉपर्टी यही है अपनी, मेटालिक करेक्टर्स। ठीक है, ये हम लोगों को करना है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हुई एक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो हमारे को पढ़नी है।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है इनको हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास के अंदर, वन बाय वन एक एक करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग लेंगे और इनके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं इनको भी हम लोग लेंगे, क्या इनके अंदर मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, क्या हमें याद करनी है, इन सबको लेते हुए हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।